नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। और सबसे पहले अपडेट में बात कर लेंगे इंडियन नेवी के नेवल एलसीए तेजस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नेवल एलसीए तेजस ने बखूबी अपने सारे शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग ये दोनों कम्प्लीट कर लिए हैं सोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी INS हंसा से। और अब नेवल एलसीए तेजस को लेकर ऐसी प्लानिंग चल रही है कि इसे जल्द ही INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ और लैंड कराया जाएगा। और इस चीज को कंडक्ट करने के लिए एक टीम बनाई गई है जो कि INS विक्रांत के साथ साथ जो डेटा गैदर किए गए हैं नेवल LCA के द्वारा INS हंसा से टेक ऑफ और लैंडिंग करने के दौरान, तो उस डेटा को स्टडी किया जा रहा है और उसकी पॉसिबिलिटी किस प्रकार की होगी तो उसको भी स्टडी किया जा रहा है। तो इस टीम में ADA के ऑफिशियल, HAL के ऑफिशियल और साथ ही नेवी के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो सोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है उसको INS विक्रांत को देखते हुए बनाया गया था, मतलब INS विक्रांत का ही प्रारूप है वो लैंड बेस्ड वेरियंट में। और ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि जो INS हंसा है उस पे दो वायर सिस्टम दिए गए हैं एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए, INS विक्रांत पे तीन वायर सिस्टम दिए गए हैं एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए। और अमूमन जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वो बीच वाले वायर को पकड़ते हैं और पकड़ते टाइम वो अपना थ्रोटल फुल पावर पर रखते हैं कि मान लो अगर वायर मिस भी हो गया तो आप तुरंत टेक ऑफ करके एक बार फिर से लौट के आ सकते हो उसी वायर को पकड़ने के लिए। तो इसीलिए अमूमन हायर स्पीड पे वायर को पकड़ा जाता है। तो INS विक्रमादित्य पे तीन वायर सिस्टम है, INS हंसा पे दो है। और इसी बारे में बात करते हुए नेवी के एक ऑफिशियल ने ऐसा बताया है कि NLCA तेजस को लेके जब हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे INS हंसा से तो वहां पे तकरीबन 30 अरेस्टेड लैंडिंग कंडक्ट की गई है और 50 स्की जंप टेक ऑफ किया गया है। और इन सभी लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहे थे, हमने इन सभी के दौरान कोई ना कोई पैरामीटर चेंज किया है। जैसे कि अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करते हो तो उस दौरान ऐसा पॉसिबल है कि समुद्र में तेज हवाएं चल रही हो और वो साइड से चल रही हो, और जब साइड बाई हवाएं चलती हैं तो आपके एयरक्राफ्ट को रोल कर देती हैं, मतलब एक तरफ आपका विंग ज्यादा झुक जाएगा और एक तरफ कम झुका होगा। तो उस केस को बोलते हैं ब्लैंकिंग एंगल। और ये लैंडिंग के दौरान पाया जाता है जब आप एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करते हो तो इस ब्लैंकिंग एंगल को भी तकरीबन 5 डिग्री के अराउंड रख के नेवल LCA तेजस को INS हंसा पर लैंड कराया गया है। वहीं पे जानबूझ के INS हंसा से टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर नेवी ने चेंज किए थे, उसको और डिफिकल्ट बनाया था अपने लिए, लेकिन उसके बाद भी नेवल LCA तेजस ने सभी पैरामीटर को बखूबी पूरा किया है। और इसीलिए अभी स्टडी ऐसी चल रही है इंडियन नेवी और बाकी के ऑफिशियल के थ्रू कि INS विक्रमादित्य पे किस तरह से लैंड करेगा। तो INS विक्रमादित्य की जो स्टडी चल रही है वो INS विक्रमादित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है कि कैरियर को कोई नुकसान ना हो जाए इस लैंडिंग के दौरान, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। नहीं तो जो पायलट्स हैं NLCA के वो काफी कॉन्फिडेंट है कि INS विक्रमादित्य पे वो लैंड करा लेंगे आसानी से। और वैसे भी एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि आपको वहां पे ओवर द डेक स्पीड मिल जाती है, विंड की स्पीड जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे होती है वो अमूमन ज्यादा होती है। तो आप वहां पे लो एयर स्पीड की जो प्रॉब्लम है उसे फेस नहीं कर रहे होते हो, जो कि कम्प्लीटली रिवर्स होता है अगर आप INS हंसा पे दो में से किसी एक वायर को पकड़ना चाह रहे हो और सामने से कोई एयर की स्पीड भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको जो एयर का एंगल ऑफ अटैक है वो बढ़ाना पड़ता है, और ये चीज काफी रिस्की भी होती है क्योंकि जो आपका फ्रंट का व्यू होता है वो आपको बेहतर नहीं मिल रहा होता है वायर को हुक से पकड़ते टाइम। तो इस प्रकार के कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए नेवल LCA तेजस ने अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट किए थे INS हंसा से। और जो नेवल LCA तेजस के पायलट्स हैं उनको तकरीबन 300 से भी ज्यादा लैंडिंग और टेकऑफ का एक्सपीरियंस है। और नेवी के साथ साथ HAL ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के बाद जो डेटा मिलेंगे उन डेटा को यूज किया जाएगा TEDBF को डेवलप करने में, जो कि इंडियन नेवी की डिमांड के अकॉर्डिंग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होगा। तो नेवी के कुछ पायलट्स और ऑफिशियल का ऐसा मानना है कि नेवल LCA तेजस ने जो कुछ भी अचीव किया है INS हंसा से वो सफिशियंट है इसको किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराने के लिए, क्योंकि तकरीबन 30 लैंडिंग में डिफरेंट पैरामीटर को चेंज किया गया था। और सबसे मुख्य बात है कि लो एयर स्पीड पे भी, मतलब सामने से जो एयर की स्पीड आ रही है वो INS हंसा पे कम थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे वो चीज ज्यादा होगी क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर भी साथ में चल रहा होगा। तो उससे क्या होता है, जो आपको सामने से एयर की स्पीड आ रही होती है वो आपको ऑप्टिमम मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं नेवल LCA तेजस के कुछ फीचर्स की। तो नेवल LCA तेजस का जो ट्रेनर है और जो एयरक्राफ्ट है सिंगल सीटर, उन दोनों में जो सॉफ्टवेयर है वो सेम है। और ऐसा नहीं है IEF के तेजस के साथ, वहाँ पे ट्रेनर और एयरक्राफ्ट में जो सॉफ्टवेयर होंगे वो अलग अलग होंगे। बात करते हो लैंडिंग की और टेक ऑफ की, तो नेवल LCA तेजस में वो चीज ऑटोनोमस की गई है, मतलब एक बार जो आपका एयरक्राफ्ट रैम से छूटता है, तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में कई बार बात कर चुका हूँ कि रैम से छूटने के बाद जो पिचअप रेट है उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वो काम नेवल LCA तेजस में लगाया गया सॉफ्टवेयर को दे दिया गया है। तो जैसे ही वो रैम से छूटेगा तो उसके पिचअप रेट का कंट्रोल वो सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग, और वो उसी तरह से जो लैबकॉन है लीडिंग एज वर्टेक्स कंट्रोलर्स, उनका मूवमेंट हो रहा होगा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। और एक बार जैसे ही सॉफ्टवेयर को ऐसा पता चल जाएगा कि अब आपका जो एयरक्राफ्ट है वो स्टेबल हो चुका है,
तो उसका कंट्रोल आपके पायलट को दे देता है टेक ऑफ करने के बाद। तो यहाँ पे वो चीज नेवल एलसीए तेजस में ऑटोनोमस कर दी गई है, तो आईएनएस विक्रमादित्य पे लैंड करने की अनुमति जल्द से जल्द दे दी जाएगी, क्योंकि जो टीम बनाई गई है जो कि स्टडी कर रही है आईएनएस विक्रमादित्य की, तो उसमें कुछ सेमी लैग के ऑफिशियल भी हैं जो कि डेटा को स्टडी कर रहे हैं जो नेवल एलसीए तेजस से मिला है, और उसके बाद ही वो अनुमति देंगे आईएनएस विक्रमादित्य पे लैंड करने की। और ये सब एक आपको डिफरेंट पेज पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यही कुछ डेटा हमको डालने हैं टेड बीएफ में, और टेड बीएफ को अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेनी है 2026 में। तो उन सब चीजों को देखते हुए आपको ये सारा प्रोसेस जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ, टाटा और कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाए गए ATAGs के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ATAGs 155mm 52 कैलिबर का हाविजर गन है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम रेंज 48 किलोमीटर है, जो कि इसने हाई एक्सप्लोसिव बेस ब्लेड एम्यूनिशन से अचीव किया था। तो इसको लेकर ऐसी खबर है कि ये एक स्टेप और क्लोजर जा चुका है, जिसे एक ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है, और इसने अभी हाल ही में तकरीबन 5 राउंड 62 सेकंड में अचीव किया है। बात करते हो ATAGs के मैगजीन की, जो कि 5 राउंड मैगजीन है, वहीं पे इसका वेट 18 टन के अराउंड है, तो इसको लेके जल्दी ऑर्डर्स दिए जाएंगे एक बड़े नंबर में। बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो वह है CDS को लेके। तो भारत को मिल चुका है अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि सर बिपिन रावत जी के रूप में मिला है, और ये अनाउंसमेंट आज ही किया गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके 4-स्टार जनरल होंगे और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होंगे डिफेंस मिनिस्टर के। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर को, और वहीं पे हाल ही में एक अमेंडमेंट की गई थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रूल के लिए, कि जो CDS होंगे वो मैक्सिमम 65 ईयर तक सर्व करेंगे, जबकि रिटायरमेंट एज इससे पहले 62 ईयर की थी। तो ये कुछ नए अमेंडमेंट्स किए गए थे, और उसके तुरंत बाद ही ये अनाउंसमेंट किया गया है कि करंट आर्मी चीफ CDS होंगे। तो इस अपडेट को लेकर इतना ही। जय हिंद।